भोपाल लोकसभा में अगले 5 साल तक कौन राज करेगा, उसका भाग्य अपने भीतर बंद करने के लिए ईवीएम मशीनें अपने अपने गंतव्य पर चल दी। 12 मई यानी रविवार को होने वाले मतदान में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके, इसके पुख्ता प्रबंध निर्वाचन आयोग ने सुनिश्चित कर दिए हैं। चुनाव कार्य में संलग्न कर्मचारियों और अधिकारियों ने भरोसा जताया है कि जिस तरह का प्रशिक्षण और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उससे ये सुनिश्चित है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होगा। महिलाएं विशेष तौर पर खुश है और कह रही हैं, देश के लिए चुनाव हो रहे हैं, हमें ये काम करना अच्छा लग रहा है। प्रॉपरली वोटिंग होनी चाहिए, इतनी मेहनत गवर्नमेंट कर रही है तो कम से कम 80% वोटिंग तो होनी ही चाहिए। बहुत खुशी हो रही है इस कार्य को करने में, देश के प्रति कुछ अपना भी योगदान है। इससे ये गर्मी की सारी तकलीफें दूर है, ये सोच के कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। जिला निर्वाचन अधिकारी कहते हैं कि सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम भेजने के साथ वीवीपैट और इमरजेंसी के लिए मशीनों का पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। तो सुरक्षा में लगे डीआईजी इरशाद वली कहते हैं कि 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने में सक्षम है। आरएएफ, एसएएफ और जिला पुलिस बल के अलावा ट्रैफिक पुलिस भी अपना दायित्व पूरी क्षमता से निभाने को तैयार है। मतदान केंद्र है, सभी के ऊपर एक एक मशीन जाती है और दो दो सेक्टर ऑफिसर के पास हम रिजर्व रखवाते हैं, बाकी हमारे पास रहती है। वैसे सभी चेक करके भेजी जाती है, अगर कहीं बीच में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो उसको ठीक किया जा सकता है, या जो अगर लिंकिंग कुछ होती है तो, या अगर आवश्यकता है तो तत्काल उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है ताकि किसी प्रकार का मतदान जो कंटिन्यूस होता है वो रुके नहीं। सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने सारे पोलिंग स्टेशन पर यूनिफॉर्म पर्सनल लगाए हैं, जो जिला बल के हैं, कॉन्स्टेबल साइज कॉन्स्टेबल, इसके अतिरिक्त एसपीओज हैं, वहाँ पर पैरामिलिट्री है, सशस्त्र जो एसएफ है वो है वहाँ पर, होमगार्ड्स हैं और लगातार जो है क्यूआरटीज हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, हमारे टिकट्स भी रहेंगे अलग अलग जगहों पे, तो व्यवस्था जो है चाक चौबस है, कोई इसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6000 के अराउंड लोग लगे हुए हैं सुरक्षात्मक ड्यूटी सीधा से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। मेरी तीसरी प्राथमिकता स्वास्थ्य और चिकित्सा की ओर होगी।